राजधानी लखनऊ में वकीलों ने मुख्यमंत्री आवास के पास जाम लगाकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ता विजय कुमार सिंह पुराने हाई कोर्ट में बहस के दौरान बेहोश हो गए थे, लेकिन जाम के चलते उन्हें समय से अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। आक्रोशित वकील अधिवक्ता की अचानक मौत पर 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि समय से इलाज मिला होता तो उनकी मौत नहीं होती और उन्हें बचाया जा सकता था। इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। उनके निधन से गुस्साए अधिवक्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने 48 घंटे में मांग पूरी होने का आश्वासन दिया, जिसके बाद वकीलों ने प्रदर्शन खत्म किया। देखिए, जो अधिवक्ता कल उनके साथ दुर्घटना घटी है, उसमें हमारी मांग ये थी कि उनको 25 लाख रुपया कंपनसेशन दिया जाए और उनके बच्चों को सर्विस दिया जाए, क्योंकि उनकी पत्नी को बच्चा अभी मात्र 1.5 साल का है, पत्नी है उनको, क्योंकि उनके फादर ख़त्म हो चुके हैं, उनके पर आश्रित मदर विधवा हैं, पत्नी है, और ये जो दुर्घटना घटी है टोटल नेग्लिजेंसी शासन की और डीजे की है, क्योंकि न रास्ता पर्याप्त न होने के कारण उनको समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सका। कचहरी के अगर चारों तरफ ठेले लगे रहते हैं, खोमचे हैं, कचहरी के गेट तक गाड़ियों की पार्किंग है, जिसकी वजह से पैदल चलना भी दुर्लभ रहता है। और इस बात के लिए बार बार DM को और SSP महोदय को सबको सूचना दी गई है, कमिश्नर महोदय को भी इसका प्रेजेंटेशन बार की तरफ से गया है, लेकिन आज तक कोई भी रास्ता साफ नहीं कराया गया। किसी प्रकार की वहाँ पे एम्बुलेंस की या मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई है, जिससे कि तुरंत फर्स्ट एड किसी भी दुर्घटना में किसी को प्राप्त हो सके। इसलिए हम लोग ये मांग है कि 25 लाख रुपये, बार ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, 25 लाख रुपये और उनकी पत्नी को नौकरी है, इसकी घोषणा जब तक DM साहब नहीं करते हैं या मुख्यमंत्री जी के वहाँ से इसका आश्वासन नहीं मिलता है, हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। इन्होंने जो एक अपना ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन को मैंने इनके लिया है, इसमें इनका ये कहना है कि इनके एक साथी हैं विजय कुमार सिंह जी, इनकी कल दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में कल इनकी डेथ हो गई कोर्ट में, और उनके परिवार को मुआवजा देने, नौकरी देने, ऐसी चीज़ों के लिए इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। तो ये ज्ञापन मैंने सरकार की तरफ से यहाँ रिसीव किया है और ये मैं ACS होम तक इनका ज्ञापन पहुँचा रहा हूँ। उसमें जो भी इनके लिए सरकार की तरफ से जो चीज़ें होंगी, जिस तरीके से विधिपूर्ण तरीके से वो कर सकते हैं, वो कर दिया जाएगा। अब चूँकि ये यहाँ तक क्यों आए, इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊँगा, इन लोग किस कारण से वहाँ गए और क्यों वो स्थितियाँ उत्पन्न हुई, लेकिन DCP सेंट्रल और DCP वेस्ट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये लोग वहाँ भी ज्ञापन दे दें कोर्ट में, लेकिन उनके जो भी अपने मनोभाव रहे होंगे, तो फाइनली कोई ऐसी बात नहीं, मैंने यहाँ आके उनका ज्ञापन ले लिया। सर, जो ज्ञापन है उसमें मामला क्या है? 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।